हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मोशन। द चैप्टर नेम इज मोशन। मोशन जो है आपका क्लास 9 का एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है और ये फिजिक्स का बहुत स्टार्टिंग का और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम बात कर रहे हैं मोशन की कि मोशन क्या है। मोशन इज अ मूवमेंट, कि कोई चीज मोशन में है इट मींस कि वो चीज मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है, राइट, चल रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो मोशन इज द चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बट अब हम ये कैसे कहेंगे कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। मैं यहां हूं और मैंने मूवमेंट किया और मैं यहां पर आ गया, बट आप कैसे बताएंगे कि भाई मैंने मूवमेंट किया है, मैं जो हूं, मैंने मूवमेंट किया, मेरी पोजीशन चेंज हुई, आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो वहां ये पोजीशन जो आपको पता लगेगी कि पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पर्सन की चेंज हुई है, वो आप लेंगे, वो आपको पता लगेगी किसी रेफरेंस पॉइंट से, राइट। कि अभी मैं कैमरे के जस्ट बिल्कुल सामने हूं, कैमरा अभी क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी है, ठीक है। तो कैमरे को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, तो कैमरे के सामने बिल्कुल मेरा यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल फोकस है, राइट। और मैंने कुछ मूवमेंट किया, मैंने कुछ मोशन किया, मैंने मूव किया और मैं जो हूं अब कहा हूं, अब कैमरे के सामने मैं विजिबल नहीं हूं, राइट। जो कैमरे से जो लाइट आपकी पड़ रही है, कैमरे का जो लेंस है उसके सामने नहीं हूं, यानी कि आप कहेंगे, आप इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि मैंने मूवमेंट किया, राइट। तो यहां पर अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो हम कैसे बताएंगे, विद ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट। और वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट कैसा होगा, जो कोई जो स्टेशनरी हो, ठीक है। तो मान लीजिए आप जो है अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, आप अपने घर से मार्केट में गए, राइट। तो कैसे आप बताएंगे कि आपने मूवमेंट किया, ठीक है, कि आप उस चीज को कैसे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने मोशन किया, मूवमेंट किया, आप चल के, वॉक करके, या जो है किसी व्हीकल से, कार से, गाड़ी से, ठीक है, आप जो है मार्केट चले गए, लेकिन वो कैसे पता लगेगा कि कैसे आप डिफाइन करेंगे आपकी पोजीशन, आपने मूवमेंट किया, तो चेंज इन द पोजीशन। पहले आप कहां थे, घर पे थे, घर से आप मार्केट में गए, मार्केट आपकी 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने जो घर है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, वो एक स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, क्या लगे, स्टेशनरी, जो आपका एक जगह स्टेबल हो, ठीक है। तो घर आपका यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है और आपने कहा कि मैंने मूवमेंट किया और मैंने मूवमेंट करके मैं यहां से कहां गया, मार्केट में, राइट। आपने पोजीशन चेंज की और आपके घर से मार्केट जो है वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, इट मींस कि आपने पोजीशन चेंज की, आपने मूवमेंट किया, ठीक है। तो वो चीज हम जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजिंग इन द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है, जिसके रेफरेंस में आप बात करेंगे, जो कि हमारा कोई स्टेशनरी पॉइंट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपके सामने से कोई ट्रेन गई, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो जो ट्रेन है वो मोशन में थी, बिकॉज उसकी पोजिशन चेंज हुई है, अभी जब वो आपके सामने थी, अभी थोड़ी देर बाद वो कहां पे है, आपसे जो है प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपके सामने नहीं है, ठीक है। तो इट मींस कि उसमें उसकी पोजीशन चेंज हुई है, पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि उसमें मूवमेंट हुआ, ठीक है। पोजीशन पोजीशन चेंज होना इज पोजीशन चेंज, चेंजिंग इन द पोजीशन मींस कि मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मोशन। लेकिन जरूरी नहीं कि जितना भी मोशन हो रहे हो सब आपको विजिबल हो, ठीक है, कुछ चीजें आप जो है इनडायरेक्टली जो है उनको इनडायरेक्टली उन चीजों को जज करके तब आप बताते कि हाँ मोशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल योर एयर, जब हवा चल रही है, ठीक है, तो वहां पर आपको कैसे, अभी हवा है, मूवमेंट में है हवा, आपको कैसे पता लगेगा कि हवा जो चल रही है वो मूवमेंट में है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह के इंडिकेशन देखेंगे, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स जो उड़ रहे हैं,
अब वो उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, बिकॉज हवा आपकी जो तो इसमें गैसेस है वो आपकी कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है, इसलिए डस्ट पार्टिकल भी उसके साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एयर का मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बट आप जो है दूसरी चीजों को देख के ये बता सकते हैं कि हाँ एयर मूवमेंट मूव कर रही है, वो जो है मोशन में है। ठीक है, तो इस तरह के भी कुछ मोशंस होते हैं। फिर जो है आपका जो है इसमें कुछ आपके डिपेंड करते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, मतलब कि पर्सन टू पर्सन जो है पर्सन टू पर्सन जो है मोशन की डेफिनेशन चेंज हो सकती है, राइट। किसी के लिए कोई चीज मूव कर रही है और किसी के लिए वो नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपके सामने से, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके सामने आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपके सामने से एक ट्रेन गई, ठीक है, तो आपके हिसाब से जो ट्रेन है और ट्रेन पे बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, राइट। बट एट द सेम टाइम जो बंदा जो पर्सन वो ट्रेन में बैठा है, ठीक है, उसके लिए बाकी पैसेंजर्स तो मूव नहीं कर रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है उसके लिए कि ट्रेन चल रही है, लेकिन उसके लिए जो पैसेंजर उस ट्रेन के अंदर उसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर रहे, राइट, वो उसके लिए स्टेशनरी है, ठीक है, लेकिन जो बाहर बंदा खड़ा है प्लेटफॉर्म पे खड़ा, उसके लिए वो पैसेंजर जो है वो मूव कर रहे हैं, ट्रेन भी मूव कर रही है, पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर क्या है कि मोशन जो है वो आपका चेंज हो रहा है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक। तो इस तरह के भी आपके मोशन हो सकते हैं। कुछ मोशन आपके ऐसे होंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब आपने अभी जब आपने एग्जाम्पल लेके चले कि भाई कोई स्टेशनरी पॉइंट लोगे, राइट, तो आपने क्या लिया, घर लिया, कि घर से आप मार्केट गए, क्योंकि हमारे लिए जो है घर स्टेशनरी है कि वो मूव नहीं कर रहा, इसलिए हमने उसको एक स्टेशनरी पॉइंट है हमारे लिए, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। लेकिन एज यू नो कि अर्थ जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, ठीक है, अर्थ कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो जो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लीव जो भी कुछ है वो भी उसके साथ में मूव कर ही रहा है ना, वो मूव ऐसे भी कर रही है और सदन के अराउंड भी रोटेट कर रही है। तो क्या है कि इट मीन्स कि घर अगर हम वहीं पे हैं, अर्थ पे ही अगर हम बात करें, अर्थ पे रह के बात करें, तो घर हमारे लिए स्टेशनरी है, लेकिन अगर हम दूसरे प्लेनेट से अर्थ को देख रहे हैं तो क्या है कि उसके हिसाब से जो बंदा वहां से देख रहा है उसके लिए अर्थ भी मूव कर रही है, उसमें जो भी चीजें हैं, चाहे वो घर हो या जो, वो सब चीजें मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है पोजीशन कि आप कहाँ से देख रहे हैं। सेम ऐसा ही आपका ट्रेन में था कि बंदा ट्रेन के बाहर है या अंदर है, ठीक है, ऐसे ही कि बंदा आपका जो पर्सन है वो आपका अर्थ पे है या अर्थ से बाहर मून से या किसी दूसरे प्लैनेट से जो है अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये है कि मोशन इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि मोशन जो यहाँ पर आपका जो मोशन और रेस्ट दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है, एक वही पर्टिकुलर चीज किसी के लिए मोशन में है, वही पर्टिकुलर चीज किसी के लिए रेस्ट में है, ठीक है, तो दोनों आपस में कोरिलेटेड है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपका मोशन जो है किस मतलब मोशन जो आपका हो रहा है, मूवमेंट जो कर रहे हो आप, वो किस क्या मतलब कि वो किस टाइप का हो सकता है। आपके सर्कल में जो है जैसे कि अर्थ जो है वो आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है, तो रोटेशन अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो वो भी आपका मोशन ही है। स्ट्रेट लाइन में कोई रोड पे कोई जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वो भी आपका मोशन है। कहीं पे रोड में कहीं पे कर्व आई, ठीक है, कहीं पे मोड़ है, तो आप ऐसे कर्व में जो है मोशन कर रहे हो तो वो भी आपका मोशन है। कोई चीज आपकी जैसे आपका पेंडुलम हो गया, पेंडुलम आपका ऐसे मूव करता है, ठीक तो वो भी टू एंड फ्रो जो है मूव करता है, ठीक, तो ये आपका क्या है, मोशन में है, मोशन है वो भी, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही जो है अगर वाइब्रेशन भी हो रही, तो जैसे आपका फोन है, फोन अगर वाइब्रेट करता है तो वो क्या करता है, मूव तो होगा ना, मूवमेंट तो उसमें होगी, तो जहां आपकी मूवमेंट हो रही है, जहां पोजिशन उसकी थोड़ी बहुत भी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो आपका मोशन है। तो वाइब्रेशन भी अगर आपकी हो रही है तो वो भी आपका मोशन है। यहाँ पर दो टाइप के मूवमेंट एक साथ भी हो सकते हैं कि भाई वो चीज रोटेट भी कर रही है और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट भी जा रही है, ठीक है ना।
जैसे कि आप अभी कह सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए रोड पे जो है सिलेंडर को या कोई भी सिलेंड्रिकल चीज उसको आप जो है ऐसे अगर आप उसको मतलब धक्का मारते हैं, ठीक है ठीक है। मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि बंदा जो है ना सिलेंडर सिलेंडर जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उठाने के चक्कर में क्या करते हैं उसको ना वैसे मतलब कि रोटेट करके ले लेके जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि भाई सिलेंडर ऐसे भी आपका मूव कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है, ठीक। तो वो वहां पे क्या है कि दो मोशन एक साथ हो रहा है, वो जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ भी फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट भी वो जा रहा है और साथ में वो रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के वहां पर क्या दोनों टाइप के आपके मोशन हो रहे हैं। मोशन इज नॉट सो सिंपल, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन के बाद हम यहाँ पे आता है कि एक आता है आपका डिस्टेंस, राइट। तो एक यहाँ पे आता है आपका डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस और एक आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अभी जब हम मोशन की बात कर रहे थे, मोशन में अब आपका आता है डिस्टेंस और एक आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस कि भाई मैं यहां से आप या फिर जैसे आप कि भाई जैसे आप जो है मार्केट से और क्या क्या नाम है घर से, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि आप जो है घर से मार्केट जा रहे हो, मार्केट आपकी 1 किलोमीटर दूर है, इट मींस कि आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ दैट इज ट्रैवर्स्ड बाय द बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। जब वो मूवमेंट में था तो उसने कितना पाथ कवर किया, ट्रैवर्स्ड किया, वो आपका वो आपकी डिस्टेंस है। एक्चुअल में वो कितना चला, कितना पाथ उसने कवर्ड किया, ठीक। तो डेट इज योर डिस्टेंस, राइट। सेकंड हमने अभी बात की डिस्प्लेसमेंट की, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में जो है डिफरेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए आप यहां से मार्केट गए, मार्केट से फिर वापस घर आ गए, ठीक है। तो अब आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर जो है वापस आए, तो 2 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर की। सो डिस्टेंस तो हो गई आपकी, डिस्टेंस आप जो है घर से 1 किलोमीटर जो था मार्केट में गए, राइट, देन वापस आए 1 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो डिस्टेंस जो आपने कवर की राइट, अब जो आपने यहां पर डिस्टेंस कवर की 1 किलोमीटर आना और 1 किलोमीटर गए आप और 1 किलोमीटर जो है वापस आए, टोटल डिस्टेंस आपने कवर की 2 किलोमीटर्स, राइट। तो ये तो थी आपकी डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस इज द व्हाट इज दिस डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ that traversed by an object during motion, right? तो ये है हमारा distance। अब बात करते हैं displacement। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जो जहां पर वो पहले था इनिशियल पोजीशन है और उसकी फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपनी इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी और उसकी अब फाइनल पोजीशन कहां है, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डेट इज योर डिस्प्लेसमेंट। इस यहां पे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है
कि वो कहां कहां घूम फिर के कहां कहां आया, ठीक है, वो मार्केट गया, मार्केट से वो कहां मेडिकल स्टोर पे गया, कहां गया, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां मतलब है कि वो पहले इनिशियली कहां था, कहां पे था, घर पे था, राइट। फाइनल पोजीशन क्या है, वापस कहां आया, वो घर पे आया, राइट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं, जहां था वहीं पर आ गया। इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट यहां पे जीरो है। डिस्टेंस तो यहां पे होगी कितनी, 2 किलोमीटर भाई, वो 1 किलोमीटर चल के जो है मार्केट गया और फिर 1 किलोमीटर चल के वापस आया, तो डिस्टेंस एक्चुअल में उसने जो पाथ कवर किया वो किया 2 किलोमीटर का। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन, जब वो वापस घर पहुंचा, और जब वो वापस घर पहुंचा तो अब जो है उसकी इनिशियल पोजीशन कहां थी, शुरुआत उसने कहां से की थी, घर से। अब वो पहुंचा भी कहां पे, घर पे, राइट। तो पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। इट मींस कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जीरो है इस केस में, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक। तो what is displacement? Displacement is the shorter distance between the initial position and the final position. अब यहाँ पर भी एक चीज है, right? अब यहाँ पे ये shorter distance क्यों बोल रहे हैं? ठीक है? हो सकता है कि अगर हम बात करें कि भाई वो market में ही है, ठीक है? उस time पे हमें बताना कि displacement कितना है, ठीक है? तो उस time पे displacement हमारा कितना होगा? 1 किलोमीटर ही होगा। इस केस में कितना होगा? 1 किलोमीटर ही होगा। डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर कवर की, और जो है जो डिस्टेंस भी उसने 1 किलोमीटर ही कवर की है, और जो डिस्प्लेसमेंट है भाई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस कितना, वो भी कितना, 1 किलोमीटर। तो अगर हम इस केस को लेके चलते हैं, ठीक है, इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना, 1 किलोमीटर। लेकिन अगर वो वापस घर आ गया है मार्केट से, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, राइट। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, सो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज द एक्चुअल पाथ, दैट इज द एक्चुअल, सॉरी यहां पे आएगा पाथ आपका, एक्चुअल पाथ, राइट, दैट ट्रैवल्स बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। डिस्प्लेसमेंट इट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस, इट इज द shortest distance, right, between the initial position and the final position of an object. Right, so this is the shorter distance between the initial and the final position of an object. इसमें हम further एक इसको और अच्छे से कि भाई short, अब यहाँ पर एक चीज और है, अभी एक चीज आपको शायद clear ना हुई हो कि हमने यहाँ पे shorter distance क्यों कहा, क्योंकि इस केस में वो चीज नहीं आ रही है clear, ठीक है ना, कि यहाँ पे तो भाई अगर मार्केट तक की बात करें तो displacement 1 किलोमीटर है, और अगर हम जो वापस इसकी बात करें तो जीरो है, ठीक है, लेकिन राइट। तो यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस का क्या क्या चक्कर है, कि ये शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, तो वो चीज मैं अभी नेक्स्ट अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वो एग्जांपल लेके चल रहे हैं जी, जहां पर आपको वो शॉर्टर डिस्टेंस जो हमने कहा था वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो भाई मान लीजिए ये आपका ठीक है, ये हम डायरेक्शंस की हेल्प से आपको बताएंगे कि क्या है डिस्टेंस, क्या है और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए इनिशियली जो कोई ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, ठीक है, अब वो जो है 5 किलोमीटर ईस्ट चलता है, 5 किलोमीटर वो ईस्ट चला, मान लीजिए यहां पर आया 5 किलोमीटर, राइट, तो उसने यहां से यहां गया, देन वो 5 किलोमीटर जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट मूवमेंट किया, देन 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जो है वो मूव कर रहे हैं, राइट। तो यहां देन ही मूव
10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। तो अब वो यहां से मूव किया उसने इधर 10 किलोमीटर, राइट। अब वो यहां पर जो है फाइनली पहुंच गया, राइट। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, एंड दैट्स योर फाइनल पोजीशन। ठीक है। अब देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि भाई टोटल उसने कितना पाथ फॉलो किया, एक्चुअली वो कितना पाथ फॉलो करके यहां गया, राइट। तो अभी उसने क्या किया, 5 किलोमीटर हुआ ऐसे गया, राइट। फिर 5 किलोमीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, प्लस 10 किलोमीटर वो जो है साउथ डायरेक्शन, जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो टोटल जो है वो यहां, फिर यहां से यहां 5 किलोमीटर ये, और जो है 10 किलोमीटर जो है उसने ये डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो टोटल वो एक्चुअली कितना चला, दैट इज योर डिस्टेंस, कि एक्चुअली में वो कितना पाथ उसने फॉलो किया, वो ही तो आपकी डिस्टेंस है। तो टोटल जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि भाई वो इनिशियली कहां था, फाइनल जो है वो कहां पे पहुंचा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इससे कोई मतलब नहीं कि भाई वो कैसे कहां घूम फिर के कहां गया, कौन से हो सकता है कि भाई उसकी यहां पे बीच में कोई रिश्तेदारी हो, तो वो रिश्तेदारियों में घूमते रिलेटिव्स के यहां पे घूमते हुए तब वो यहां पर जो है कहीं है, जहां पे उसे जानता हो वहां पे गया। ऐसा होता है कि भाई हम जब घर से निकल रहे हैं, मान लीजिए यहां पर उसका घर है, तो होता है कि भाई अगर हमें किसी दूर किसी रिश्तेदारी में जाना है, तो रास्ते में अगर जो है उसके आसपास कोई रिश्तेदारियां पड़ती हैं जिस रास्ते से वो जा रहा है, तो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भाई उसको कोई काम हो, कोई मीटिंग हो उसकी, तो ठीक है वो यहाँ पे गया, फिर उसको कोई सेमिनार को उसको कोई सेमिनार अटेंड करना हो तो फिर वो यहाँ पे आया हो, राइट। एंड देन फिर जो है वापस जो है जहां पे वो जॉब करता है वहां पे वो पहुंच गया, राइट। तो दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है, कि भाई वो कहां कैसे कैसे गया, दैट इज योर डिस्टेंस, कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो आपका वर्ड जो वहां पे डेफिनेशन में जो हमने किया कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो यहां पर आएगा। अब यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें लेके चलनी है। अब एक बात तो ये है, ऐसे तो डिस्टेंस जो है आपकी 20 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें। अब यहां से अगर आप ऐसे यहां से ये कहें कि भाई 5 किलोमीटर ये और 5 ये, कि भाई 10 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस, और वो आपको कहां पे दिख रही है, ये इस पोजिशन से डायरेक्टली अगर ये इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइट। तो यहां पर हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है हमारा यहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल में हमें 5 किलोमीटर ये पता है, 5 किलोमीटर ये पता है, राइट। तो ये क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली जो है कुछ भी इसको मान लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा तो 5 और 5 अंडर रूट 5 स्क्वायर, दैट इज 25 + 25, दैट इज अंडर रूट 50, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं
25 into 2, right? या फिर ये आपका बाहर आ जाएगा, 5 5 25, तो ये आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा इतना किलोमीटर, राइट? 5 अंडर रूट 2, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर और डिस्टेंस इतनी है 20 किलोमीटर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्टेंस एंड अ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हमने बात की थी कि यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फॉलो करनी है जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं. ठीक है, तो ये बात हुई हमारी. अब यहाँ पर जब आप इसको कर रहे हैं तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या आपका क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज है. सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों की यूनिट सेम है. ठीक है, अगर हम बात करें दोनों की तो देयर इज अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो यूनिट इज सेम, यूनिट दोनों की सेम है. ठीक है, मीटर किलोमीटर दोनों को उसी में हम मेजर कर रहे हैं तो यूनिट आर सेम. बट द थिंग इज दैट कि यहां पर हमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है. हमें यहां पे ये निकालना है कि टोटल उसने कितना पाथ फॉलो किया. यहाँ पे डायरेक्शन से हमें इसका कोई लेना देना नहीं है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो जा रहा है. यहाँ पर जैसे कि ये गया तो यहाँ पे हमने क्या किया कि टोटल जो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, डेट उससे आपको मतलब था, डेट इज योर डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस जहां पे हमें ओनली वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना है, 20 किलोमीटर है. ठीक है, तो जहां हमें ओनली वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, वो क्वांटिटी हमारी कौन सी होती है, दैट इज अवर स्केलर क्वांटिटी. स्केलर दो तरह की क्वांटिटीज आपने पढ़ी हुई है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी आर दोस जिसमें सिर्फ हमें जो है मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, दैट इज अवर स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मैग्नीट्यूड ओनली. एंड वन सेकेंड वन इज द वेक्टर. वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे भी मतलब होता है. ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर यूनिट ये क्वांटिटी. नाउ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यस डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि जब हम यहां पे निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, कि यहां से इस डायरेक्शन में यहां पे था और यहां पे क्या है कि हमें डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है कि वो अभी फिलहाल कहां है, कौन सी डायरेक्शन में है. ठीक है, तो यहां पर हमें डायरेक्शन जो है ये हमें ये देखो डिस्टेंस में क्या था कि डिस्टेंस में हमें ये कोई मतलब नहीं कि कुछ डिस्टेंस में जा रहा है, हमें टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने. डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में आपको देखना है कि अभी वो कहां है, उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में अभी वो, राइट? तो जब हम इस डायरेक्शन, अब अगर आप डायरेक्शन नहीं लेंगे, राइट, तो आप हो सकता है ऐसे भी जाए या ऐसे जाए. ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आपका वो तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा. डिस्प्लेसमेंट तो आपका कब आएगा, जब वो शॉर्टर डिस्टेंस हो, और शॉर्टर डिस्टेंस कब निकलेगी, जब आपको डायरेक्शन पता हो किस डायरेक्शन में जाना है, इनिशियल और पोजिशन, इनिशियल फाइनल पोजिशन के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस कितनी है, किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में जाना है, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? यहां पे हमें दोनों चीज चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और उसकी उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, राइट? सो सेकंड इज द दैट, पहला दोनों की यूनिट सेम है, वेक्टर क्वांटिटी. नाउ सेकंड थर्ड वन हम बात करते हैं, डिस्टेंस जो है वो आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी, जीरो या नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है भाई, अगर डिस्टेंस कब हम डिस्टेंस हमारी मेजर कब होगी, जब पोजीशन में चेंज हो, जब मोशन हो. तो अगर मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ कवर होगी, भले ही वो 1 मिलीमीटर हो या 1 माइक्रोमीटर हो, राइट? लेकिन अगर कुछ वाइब्रेट भी कर रही है तो वहां पर भी वो डिफरेंस जो है पोजीशन में डिफरेंस, ठीक है, कितना पोजीशन उसकी चेंज हुई, ठीक है, जिस क्वांटिटी से हम उसको मेजर कर रहे हैं वही तो आपका डिस्टेंस है. कि
यहाँ पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, तो वो पोजीशन आपकी कितनी चेंज हुई उसको किसमें मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस से मेजर कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो वाइब्रेशन भी अगर हो रही है तो वहां पर भी आपका मूवमेंट हो रहा है, वहां पर भी पोजीशन चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस आपकी कभी भी ना तो जीरो होगी ना कभी भी नेगेटिव होगी। सो इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, कभी ये जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो है ही, राइट, और पॉजिटिव। जीरो वाला आपने केस देखा ही था कि भाई अगर अब देखिए यहां पर अगर ऐसा होता कि अब ये यहां से फिर वापस ये यहां मूव करके डायरेक्टली ऐसे मूव करके यहां पर अगर वापस नहीं पहुंच जाता अपनी इनिशियल पोजीशन में, उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता, जीरो होता। डिस्टेंस तो आपके यहाँ पे ऐड होती जिस भी पाथ को फॉलो करके वो आया होता जितनी डिस्टेंस उसने कवर की होती, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस केस में कितना हो जाता है, जीरो, जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कंसाइड कर रही हो दोनों, ठीक है, जहां से स्टार्ट के वहीं पर अगर एंड पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। केसेस में मे बी आपका ऐसा हो कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वही आपकी नेगेटिव चली जाए, कुछ एग्जांपल आगे आएंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका वेक्टर पॉइंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर कहीं पे इस तरह केस आता है तो वो आपका नेगेटिव भी जा सकता है। नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज अनदर वन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट फिर है हमारा कि अगर हमारी मान लीजिए कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, आपकी जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो आपका जो डिस्टेंस है जीरो है, जब आपका डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, जीरो ही होगा। लेकिन अगर हम इसका वाइस वर्सा कहें, ठीक है, वाइस वर्सा कि भाई अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर डिस्टेंस जीरो है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस कवर ही नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट, जब वो जो चीज मूवमेंट किया ही नहीं, कोई डिस्टेंस उसने कवर की ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो होगी, वो वाइस वर्सा जो हम बात करें वो सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि इस केस में था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट राइट, जैसे वो मार्केट वाला सा एग्जांपल लेता है उसमें डिस्प्लेस या ये यहाँ पे फाइनली यहाँ पे वापस आता है तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा यहाँ पे जीरो है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो यहाँ पे उसने टोटल जो कवर करेगा वो आएगी, ठीक है। तो ये चीज आती है आपकी कि भाई डिस्टेंस आपकी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बट वाइस वर्सा अगर हम कहें तो वो आपका इसमें जो है वो सही नहीं है, ठीक है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। एक चीज यहाँ से आपकी क्या आपकी यहाँ से एक चीज आपकी यहाँ से क्या निकल के आती है कि डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ठीक, जैसे कि इस केस में था, या फिर इक्वल होगी, जैसे कि हमने वहां पे बात की थी कि भाई अगर हम ये बात ये कह रहे हैं कि वो जो है जो घर से मार्केट में, ठीक है, अगर वो हम अगर पहले वो बंदा यहाँ पे था, ठीक है, पर्सन यहाँ पे था मार्केट में गया, ठीक है, एक किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो अगर हम यहीं पे पूछें कि अब भाई यहाँ बताओ कि डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी एक किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी जो है आपका एक किलोमीटर है, तो इस केस में जो है दोनों इक्वल है, राइट, तो यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल है। अगर हम बात करें कि भाई वो वापस अपने घर आ गया, ठीक है, अब बताओ डिस्टेंस कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ पर क्या था हमारा, डिस्टेंस तो थी 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, ठीक है, जो कि इनिशियल फाइनल पोजीशन कंसाइड कर रहे हैं। इस केस में क्या था कि डिस्टेंस जब वो यहां से हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो थी आपकी 20 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट आया था 5.2 किलोमीटर, राइट, तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा थी डिस्प्लेसमेंट कम था। तो कोई भी केस हो सकता है, डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कंसाइड कर रही हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाए, ठीक है। अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो ये है कि इन दोनों में से कोई भी आपको ये आइडिया नहीं देगा कि जो आपका मोशन हो रहा है वो किस टाइप का मोशन है,
किस टाइप का मोशन आई मीन टू से कि भाई जैसे कि हमने मोशंस की बात की कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, कर्व में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो अब आपको यहां से थोड़ा ना आपको अब आपने यहां पर ये किया डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर की, अब आपको थोड़ा ना पता है कि वो भाई यहां पे जो है जो बंदा है वो यहां से स्ट्रेट पाथ फॉलो करके गया है या जो है रोटेट करते हुए गया, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि लोग मन्नते मांगते हैं कि भाई अगर ये काम पूरा हो गया तो मैं रोटेट करते हुए मतलब चक्कर लगाते हुए परिक्रमा करते हुए जो है वहां तक जाऊंगा, ठीक है, किसी भी तीर्थ स्थल तक, तो वहां पर ठीक है। तो वही केस हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि भाई आपको अब ये थोड़ा पता है कि उसने जो मोशन किया कैसे किया, वो कैसे गया वहां पे, लेट के गया, रोटेट करके गया या पैदल चल के गया, ठीक है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करके गया। So, यहाँ पे ना तो ये चीज आपको डिस्टेंस से कवर हो, ना तो वो चीज आपको डिस्टेंस से पता लगेगी, ना वो चीज आपको डिस्प्लेसमेंट से पता लगेगी कि वो यहाँ से जैसे आपको ये पता लगे टोटल उसने कितना पाथ फॉलो किया, और डिस्प्लेसमेंट से पता लगेगा कि उसके घर से और जहां वो गया है उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से पता लगेगी, आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो वहां पर किस मोशन के थ्रू गया, किस मोशन में गया, ठीक है। So this is all about the distance and the displacement.